देन यू मस्ट है अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यू डी कैटेगरी स्टूडेंट है एंड इफ यू आर फ्रॉम ओपेन या फिर ईडब्यू एस या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट देन यू मस्ट है टेन पॉइंटर स्केल तो ये हो गए आपके मार्क्स की बात नेक्स्ट हम आते हैं आपके कोर्सेज पे कि कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं के लिए तो कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले होता है बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स सेकेंड आपका होता है बी थर्ड बी फोर्थ आपका आएगा बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड होता है आपका सॉरी uh, फिफ्थ होगा आपका बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका जो कोर्सेज हैं जितने मैंने मैंशन किए इट मस्ट बी ऑफ मिनिमम थ्री ईयर ड्यूरेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा कोर्सेस कराती हैं जो टू ईयर या वन ईयर प्रोग्राम होते हैं तो वो निम सेट के लिए एलिजिबल नहीं है आपका जो ग्रेजुएशन है वो मिनिमम थ्री ईयर का होना चाहिए प्लस यू मस्ट है स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ यूर सब्जेक्ट इन दी यू नो इन यूर कोर्स मतलब ऐसा नहीं है तीनों साल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए अगर आपने एक साल भी या एक सेमेस्टर भी पढ़ा है मैथमेटिक्स या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स uh, तो आप एलिजिबल होते हैं नेमसेट के लिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग